प्यारे की श्री सदगुरु महाराज की प्रथम लागो दो चरण को धनिए ना छोड़ा तली लालिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाओ तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पल्लाो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री प्राण प्यारे की तो अर्ष कया दिल मोमिन जो इन दिल में हक बैठा कर तो ही तुदागी कहा रही जहाँ हक आये मुतल जहाँ हक आये मुतल ए क्यों होए बिना निस्वते अक्षरा तीय धामधनी ने इस श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा आध्यात्म ज्ञान का सर्व सर्वश्रेष्ठ रस उड़ेला है ज्ञान को हम दो तरह से ग्रहण करते हैं एक तो दिल से और एक है दिमाग से हम वाणी में जब भी पाठ करते हैं ये चर्चा में प्रायः प्रतिदिन कर रहा हूँ कि अक्षरतीत कहाँ है इस संसार में शहरक से भी नज़दीक लेकिन क्या हमको विश्वास है उत्तर मिलेगा नहीं उसको साउंड बॉक्स की दिशा ठीक करिए ना डेली गड़बड़ हो जाता है शहर से पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी हम राज्य को खोजते हुए नजर आते हैं इसमें दो अवस्थाएं होती हैं एक अवस्था तो वो जिसमें हम राज्य को अपने दिल में मानते तो हैं कि राज्य हमारे दिल में है लेकिन उसके यथार्थ स्वर्ग को नहीं जानते यदि राज्य हमारे दिल में है तो प्रश्न यह होता है कि संसार का आकर्षण हमें क्यों खींच रहा है सूरज उगा हो और घनघोर अंधेरा छाया हो क्या संभव है हाँ यह संभव है यदि बादल उगे हुए हों तो सूर्य के उगने का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता जब तक उन बादलों को हटाया न जाए हमारे हृदय में भी संशय प्रमाद आलस्य के यदि बादल उगे उमड़ रहे हों तो हमें कैसे पहचान हो सकती है कि हमारे हृदय में अक्षरातीत की बैठक है यह बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है कि अक्षरातीत जब हृदय में आ गए इत जुदागी कहाँ रही जहां हके आए मुतलक? आप अपनी आंखें खोलते हैं तो संसार नजर आता है बंद आंखों को करके अंतर की आंखों को खोले बिना वो नजर कैसे आएगा हम जिस झूठी दुनिया में जी रहे हैं जब अपनी आंखें हम बंद करते हैं तो हमें निद्रा आ जाती है देखिए दो अवस्थाएं होती हैं या निशा अनिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्नमी यश्याम जागृति भूतानी साजानता कि रात्रि में संसार के प्राणी सोए रहते हैं और सन्नमी पुरुष उसमें जागृत रहता है जब एक सामान्य व्यक्ति आंखों को बंद करने के बाद गहरी निद्रा के आगोश में चला जाता है वो कुछ नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ और एक परमहंस आँखों को जब बंद कर देता है तो संसार की तरफ से मर जाता है और उसकी अंतर की आँखें खुल जाती हैं परम धाम में विचरण करता है युगल स्वरूप के नक से सिक तक श्रृंगार में विचरण करता है दोनों ने आँखें बंद की होती हैं दोनों के पास एक दिल होता है जीव का भी दिल भी होता है आत्मा का भी दिल होता है इस संसार में शरीर दिल और जीव तीनों अलग अलग हैं जीव चेतन है और उसके दिल में मन चित्त बुद्धि अहंकार ने जीव की चेतनता को लेकर अपनी क्रियाशीलता प्रारंभ की है शरीर भी तब तक चेतन है जब तक जीव और अंतकरण जिसको कहते हैं हृदय या दिल हृदय का मतलब स्थूल हृदय नहीं वो सूक्ष्म हृदय जिसको कारण शरीर कहते हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों जुड़े हुए हैं जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं यानी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ जीव जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो ये शरीर बदबू देने लगता है इसको या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ा जाता है लेकिन परम धाम में स्थिति अलग है परम धाम में तन दिल आत्मा तीनों एक ही है वहाँ शरीर, शरीर शरीर नहीं है लीला करने के लिए शरीर है जैसे हम शेठ में बैठे हैं तो शेठ के थम्भे हमसे बोल नहीं सकते परम धाम में थम्बे भी राज्य से बातें करते थम्बे भी आत्मा के स्वरूप है वहाँ की धरती वहाँ का आकाश वहाँ की हवा सभी आत्मा रूप है जिमी जात भी रू की रूह जात आसमान पशु पक्षी भी सभी आत्मा के स्वरूप है ये ना समझिए कि वहाँ सिंह है तो सिंह जो है प्रेम के भाव में नहीं होगा हमारे साथ कई समस्या जुड़ी हुई है इस माया के संसार में हम वाणी पढ़ते हैं बुद्धि से रखते कहाँ से हैं दिमाग में मस्तिष्क में मस्तिष्क का नियामक है बुद्धि लेकिन जब मस्तिष्क के साथ मन नहीं जुड़ता तो हृदय शुष्क हो जाता है ज्ञान को चार स्तर पर हम धारण करते हैं हमारा अहंग क्या है क्या हमने शरीर की अहंग पाल रखी है जीव की अहंग पाल रखी है या परात्म की अहंग पाल रखी है या आत्मा की अहंग पाल रखी है। जैसा हमारा अहंग होगा उसके अनुसार ही हमारी बुद्धि विवेचना करेगी ये ध्यान रखिए बुद्धि कुटस्थ है बुद्धि का कार्य विवेचना करना है भाव संवेदना उसमें नहीं होती जितना सुंदर साथ वाणी पढ़ता है यदि वो सारे ज्ञान को अपने हृदय में रख ले मन में रख ले तो स्थिति बदल जाएगी वो रखता कहाँ है दिमाग में मस्तिष्क में चर्चनी कि चार महारथी बैठा दीजिए चारों में थोड़ी देर के बाद झगड़ा हो जाएगा जैसे व्याकरण के चार विद्वानों के बीच में झगड़ा होता है वैसे चर्चनी के चार विद्वानों के बीच में भी विवाद हो जाएगा कोई कहेगा कि इतने इतनी हास्य से कोई कहेगा इतने फवारे हैं कितना लंबा चौड़ा है इस निरर्थक विवाद में बुद्धि का घोड़ा सर पर दौड़ने लगता है और मस्तिष्क में तर्क वितर्क के जंजाल खड़े हो जाते हैं भाव संवेदना का स्थान भी मस्तिष्क में है लेकिन उसका संचालन मन से होता है और वो प्राय सुसुप्ति अवस्था में पड़े रहते हैं आप छोटे बच्चे में देखें छोटे बच्चा तर्क नहीं कर सकता छोटा बच्चा भाव से चलता है उसका मन आगे चलता है बुद्धि दौड़ती रहती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है भाव संवेदना समाप्त होती जाती है और मस्तिष्क सक्रिय होता जाता है परिणाम क्या होता है जो बचपन में ले वही भाव से भरा हुआ था और वो तर्क के तीखे तीर अपने तर्कस में रखने लगता है वो हर वस्तु को तर्क और कुतर्क की कसौटी पर कसना चाहता है जैसे आप जितने सुंदर साथ हैं मैं कहूँ कि आपके दिल में अक्षरातीत हैं आपको विश्वास नहीं होगा एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जिस खिलवत की बात कही जाती है उस खिलवत में अक्षरातीत के सिवा कोई दूसरा नहीं रह सकता परमधाम की अंगनाओं के सिवा कुछ नहीं रह जाता इसके बाद की एक चौपाई आती है ए हो न बिना निस्बती इथी हुई वहदत निस्बत वहदत तो क्यों जुदी कहिए खिलवत जहा निस्बत है वहां जहाँ ते है वहाँ खिलवत है जहां खिलवत है।, है वहां युगल स्वरूप है और ये सब कुछ आपकी आत्मा के धाम हृदय में घटित हो रहा है लेकिन क्या आपको पता है आप एरेस्ट के सामने खड़े हो जाइए और आपकी आंखों के सामने एक कागज़ रख दिया जाए आप तो चिल्लाएंगे कि मुझे गलत जगह लाए हो एवरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि आपकी दृष्टि कागज़ से अटक करके रुक जा रही है कागज़ के पार देखने की समर्थ नहीं है उसी तरह से जिस दिल में अक्षरातीत ने अपनी बैठक की है उस दिल में यदि माया के बादलों का प्रकाश रहेगा तो बेचारा जीव उसकी अनुभूति कैसे कर सकता है और जीव पर बैठकर आत्मा जो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत की हलादनी सकती है पर के प्रतिबिंब स्वरूप है वो भी असहाय हो जाती है क्योंकि वो भी मातृकुटस्थ है मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि माया के खेल की विचित्रता क्या है अक्षर की आत्मा इस खेल में आती है ब्रज में कुछ पता नहीं कि मैं अक्षर हूं जिनके एक इशारे से कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे खिन में देख के पल में उड़ावे वह अक्षर की सुरता भी जब ब्रज में शिक्ष जी के तन में आती है तो उनको मालूम नहीं है कि मैं अक्षर ब्रह्म हूँ रास में जब जोश खींचा जाता है तब थोड़ी देर के लिए पता चलता है कि कौन बन कौन सखियाँ ये चौंक के फिर आता हूँ पुनः जब अरब में वही अक्षर की आत्मा आती है तो पहाड़ियों की गुफाओं में वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अंदर अक्षर की आत्मा बैठी है संसार को जानने के लिए गुफाओं में जा के बैठते हैं कई कई दिन उपवास करते हैं अनपढ़ है किसी विद्यालय में नहीं पढ़े मोहम्मद साहब को जिंदगी भर हस्ताक्षर करने नहीं आया ज़िब्रिल फरिश्ता प्रकट होता है कहता है हकरा बिस्म राविकल जी खलक पढ़ खुदा का नाम उसने जिसने इस कायनात को पैदा किया है मोहम्मद कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ किससे कह रहे हैं अपने ही फरिश्ते से जिसके आदेश से जिब्रिल फरिश्ता अष्टपहर चौंसठ घड़ी कुछ सब कुछ करता है वह अक्षर भी अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में असहाय हो जाते हैं क्योंकि वो मात्र दृष्टा है जब राज्य की कृपा होती है मेराज होता है जिब्रिल फरिश्ता अक्षर की आत्मा को लेकर जाता है काल माया को पार करते हैं तब भी पता नहीं कि मैं अक्षर हूं जब सत्सव में जाते हैं तब जागृत है ब्रह्मांड अक्षर की आत्मा सोती अरे ये तो मेरा फरिश्ता आज तक मैं इससे हाथ जोड़ता रहा हूँ जबरील कहता है कि हुजूर इस ससुरु को आगे मैं नहीं जा सकता अब अक्षर की आत्मा आदेश देते कि चल चल मेरे हुक्म से चल इसके पहले इस माया में आकर अक्षर की आत्मा भी असहाय हो जाती है वहां जबरील कहता है कि हुजूर मैं तो आपका फरिश्ता हूँ काल माया में नहीं कहता कि मैं हुजूर वो तो सिखाफन देने बैठ जाता है जिबरील भी कि पढ़ खुदा का नाम आप बताइए अक्षर का फरिश्ता जिबरील अक्षर का फरिश्ता असरावीर और अक्षर भी इस दुनिया में असहाय बने हुए हैं उसी तरह से परम धाम की आत्माएं भी इस संसार में असहाय बनी हुई है जैसे मैंने कहा कि एवरेस्ट की चोटी के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए आपके चोटी के बीच में दो कदम की दूरी हो फिर भी आपकी आंखों के आगे कागज़ का पर्दा रखने पर आपको एवरेस्ट नहीं दिखाई देगा और आप दिखलाने वाले को ही झूठ बोलेंगे वैसे ही माया के खेल में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है वाणी में एक ही बात घूम फिर करके आएगी कि हक नज़ीक सेहरक से अड़ोपटना द्वार खोली आंखें समझ की देखती न देखी भरतार हमारी समझ की आंखें तो खुली हैं लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं अंधे को दिखाई नहीं देता वैसे तो समय भी कम है मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात भी करनी है और कहावत कही जाती है बुभुक्षता किम न करो थे भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता ऐसे जो सुंदर साथ बैठे हैं उनको धन्यवाद है लेकिन आधे तो सोच रहे हों कि जल्दी से कब चर्चा खत्म हो जाए और हम भोजन करें कल मैंने दृश्य देखा था कि सुंदर साथ यहाँ मंच चल रहा था और भोजनालय के बाहर धूप में खड़े थे दरवाजा बंद था घुस नहीं सकते थे फिर भी अपने आप थाली लेकर दरवाजे के बाहर खड़े थे कि दरवाज़ा खुले और कब भोजन करें उनको वाणी चर्चा से कोई मतलब नहीं था और यहाँ तो आज नियम का भी उल्लंघन हो रहा है समय का अतिक्रमण फिर भी मैं चाहूँगा कि आप शांति से बैठे रहिए ये बहुत ही गहन रहस्य है कि हमारे दिल में क्या खिलवत है वहदत है निस्बत को तो हम जानते हैं लेकिन हमारी निस्बत की पहचान दिमाग से है दिल से नहीं यदि दिल से हमारी पहचान हो जाए तो उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत उठते बैठते सोते जागते हमारे दिल से केवल आह निकलेगी वो भी राज्य के लिए लेकिन क्या ये सच है जिन्होंने हजारों चौपाइयाँ कंठस्थ की होगी जो घंटों व्याख्यान दे सकते हैं वो भी उठते बैठते सोते जागते राज्य को क्यों नहीं याद करते भावलीनता क्यों नहीं आती क्योंकि उनमें भाव शून्यता आ गई है ज्ञान एक दुधारी तलवार है यदि ज्ञान प्रीतम से मिलाता है तो प्रेम भाव के भाव में ये ज्ञान हृदय को शुष्क भी बना देता है यदि आपने ज्ञान को केवल मस्तिष्क में रख दिया मन के साथ नहीं जोड़ा क्योंकि मन में भाव संवेदना है मन सुख को पाना चाहता है वो भटकता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध में बुद्धि नहीं भटकती बुद्धि का कार्य है विवेचना करना चित्त का कार्य है संस्कारों को प्रकट करना संस्कार किसको कहते हैं कर्म का बीज यदि आपने आज शराब पी ली किसी से छिप कर किसी को पता नहीं कि आपने शराब पी है लेकिन शराब पीने का संस्कार आपके चित्त में बैठ जाएगा यह चित्त ही तो चित्रगुप्त है पौराणिक चित्रगुप्त जिसे कहा जाता है ना कि मनुष्य जो भी कर्म करता है या राज के पास पहुंचने के बाद चित्रगुप्त उसका कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं चित्रगुप्त कहीं और नहीं है आपका चित्त ही चित्रगुप्त है लाखों जन्मों से आप अच्छे बुरे जो कार्य करते आ रहे हैं कर्म का बीच कर्म की पिक्चर आपके चित्त में बसी हुई है इसलिए बड़े से बड़े योगी को भी तकलीफ हो जाती है शरीर अस्वस्थ हो जाता है रामकृष्ण परमहंस जैसे महान योगी को भी कैंसर का रोग हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो महात्मा इनको क्यों कष्ट हुआ विश्व पिताओं को भी कष्ट हो जाता है क्यों उनके चित्त में वो संस्कार था कहीं न कोई, कोई अशुभ संस्कार जो सौ जन्मों के बाद भी बाणों की सैया पर लेटने के लिए उनको विवश कर देता है हमारे साथ जीव का संस्कार जुड़ा हुआ है और जीव के संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं इन संस्कारों को हटाने के लिए हमको कहा जाता है चित्वनी कीजिए योग दर्शन में चितवनी की ध्यान की व्याख्या समाधि की व्याख्या क्या की गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं वो संस्कार क्षय हो जाएंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा पुनर्जन्म नहीं होगा जब हम वासनाओं से रहित हो जाएंगे तो भाव से अपने पर आत्म चैतन्य से परम चैतन्य को देख लेंगे योग का सामान्य सिद्धांत एक गलत है चित्तवनि के द्वारा आपको संसार से हटाया जा रहा है आपने के जीव के चितने अपने हृदय में कितना बसा रखा है संसार को आपका मन संकल्प विकल्प उठते ही किसको याद करता है पोते पोतियों को याद करता है या संसार को याद करता है या राज्य को याद करता है समझते हैं जब आप यहां आते हैं न जाने कितने फोन आपने घर के लिए होंगे मैं पहुंच गया चिंता ना करो यदि आप विपसना के केंद्र में जाएंगे तो आपका मोबाइल पहले ही रख लिया जाएगा ये मोबाइल कितना प्रिय है छोटे बच्चों से कहिए कि मोबाइल छोड़ दो तो तुमको हम परमात्मा का दर्शन करा देंगे कह देंगे कि हमें ऐसी परमात्मा का नहीं चाहिए हमें तो एंड्राइड फ़ोन चाहिए सुंदर 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 साथ भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी मैंने देखा है कितनी दीवानी है बड़े बड़े टोपी पहने हुए महाराज जी मंच पर बिना मोबाइल के रही नहीं सकते कितने आश्चर्य की बात है हृदय में जो बसता है सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उसके बारे में कहते हैं कि नहीं परमात्मा को देखा नहीं जा सकता वो कैसा परमात्मा है जो दर्शन नहीं दे सकता और वो कैसी वो आत्मा है जो दर्शन कर नहीं सकती और वो कैसा वो अध्यात्म ज्ञान है जो ये शिक्षा नहीं दे सकता कि तुम अपने प्राणेश्वर को देख सकते हो सागर और उसकी लहरिक लहरों के बीच में विभाजक रेखा खींचने वाला कौन है वाणी कहती है तो ये तो जुदागी कहाँ रही जहाँ हके आए मुतलक हमारे और धनी के बीच में जुदाईगी कहाँ है मैंने जुदायगी के संबंध में दो बख्याएँ बताई थी एक दूसरी है जिसको आम तौर पर लोग गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं जी हमसे जुदा थोड़े हैं कि हम चित्व नहीं करें तृष्णाएँ उनका पीछा कर रही है काम क्रोध लो मुँह अहंकार की अग्नि उनको जला रही है फिर भी कहेंगे जी और हमारे बीच में दूरी है नहीं यदि आपके अंदर रांची और धनी के बीच में कोई दूरी नहीं है बिल्कुल सच है तो आपने अनुभव क्या किया है क्या आप बिना वाणी पढ़े रांची की शोभा का वर्णन कर सकते हैं परिक्रमा का वर्णन कर सकते हैं यदि नहीं कर सकते तो इसका तात्पर्य है आपकी आत्मा के चक्षु अभी खुले नहीं हैं बंद हैं आपका मस्तिष्क बोल रहा है हृदय नहीं बोल रहा और हृदय में जो चित्त में संस्कार है उसके अनुसार कह रहे हैं अंतर्दृष्टि जब खुल जाती है जब गोपाल मणि परमहंस महाराज जी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 301 वर्ष हुई थी 226 वर्ष की उम्र में उनको तारतम मिलता है और तब इसके पहले वो हिमालय की गुफाओं में जगह जगह न जाने कितनी कठोर साधनाएं करते रहे यहाँ जब आते हैं तो उस समय श्री जी के अंतर्धान हो चुके होते हैं लेकिन राज्य की कृपा तो होती है राज्य का दर्शन होता है बिना वाणी पढ़े उन्होंने सारा कुछ वर्णन करना शुरू कर दिया आप देखेंगे कि जब सतगुरु धनीष देवचंद जी वर्णन करते थे तो उनके अंदर से कौन बोल रहा है वही तो अक्षरातीत वाणी कह रही है इत जुदागी कहाँ रही जहाँ हके आई मुतलक लेकिन खेल की कैसी लीला है कि ब्रज में क्या किसी ने जाना था कि राज्य और हमारे बीच में दूरी नहीं है क्या रास में जाना था रास् में यह मालूम था कि ये हमारे प्रीतम हैं लेकिन तब भी ये मालूम नहीं था कि ये हमारे दिल में ही बसते हैं इसलिए सबने कुंज निकुंज में खोजा वृंदावन में खोजा किसी ने अपने दिल में नहीं खोजा जागनी ब्रह्मांड कह रही है जागनी ब्रह्मांड कह रहा है कि अपने हृदय में खोजो लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं है हमारे 400 सौ से ज़्यादा मंदिर हैं और इन 400 मंदिरों में बड़े बड़े महंत लोग रहते हैं पुजारी लोग भी रहते हैं रात दिन सेवा भी करते हैं फिर भी पूछा जाए राज्य कहाँ है क्या कहेंगे देखते नहीं सिंहासन पर नज़र नहीं आ रहे हमने कैसा श्रृंगार करा रखा है श्रृंगार तो आपने कराया है एक ऐसा भी तो मंदिर है जो हृदय मंदिर है जिसको कोई बना नहीं सकता आप जो भी मंदिर बनाएंगे उसकी ईंटें तो कभी गिर सकती है हृदय वह मंदिर है जो कभी भी टूटता फूटता नहीं है शरीर भी नष्ट हो जाएगा फिर भी उस मंदिर में आपका प्रणेश्वर हमेशा बसता रहा रहेगा मैंने कई बार भी दृष्टान दिया है कि घुम्म जी की महत्ता क्यों है क्योंकि इसमें महामती जी समाधि अवस्था में बैठे हैं ध्यान अवस्था में और उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप अभी भी बैठ कर लीला कर रहे हैं इसलिए इस घुम्म इस जी को हम धाम कहते हैं कोई यदि यहाँ से दूसरी जगह कितना भी सोने चांदी के मंदिर बना ले मंदिर तो बना सकता है लेकिन वो हृदय धाम कहाँ से लाएगा जो महामती को अक्षरातीत की शोभा दे रखी है हम सुंदर साथ भी अपने हृदय को धाम बनाने की कसौटी पर धाम बनाया नहीं जाता वो तो है उसकी कसौटी पर हम कितना स्वयं को खरा सिद्ध कर पा रहे हैं ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि हम अपने चित्त में संसार के संस्कारों को हटा दें जैसा संस्कार होगा वैसे ही हमारा मन संकल्प विकल्प करेगा और जैसा आपका अहंग होगा उसके अनुसार ही संस्कारों को आप ग्रहण करेंगे यदि आपने खूब तिखी तीखी लाल मिर्ची खा ली ले, लहसुन प्याज की चटनी खा ली अचार खा लिया बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करके तो क्या होगा झपकी ले रहे हैं दूसरों को बता रहे हैं कि मैं चितवनी कर रहा हूँ इस चितवनी से कोई लाभ नहीं है आपकी बुद्धि में तमोगुण ने जब प्रवेश कर लिया तो बुद्धि तो का कार्य तो विवेचना करना है बुद्धि कभी प्रेम नहीं करती जब बुद्धि का वर्चस्व हो जाएगा तो ज्ञान की बातें मस्तिष्क से उभरनी शुरू हो जाएंगी और बुद्धि से भरा हुआ हृदय कभी किसी के प्रति समर्पण की भावना नहीं सीखता छोटे बच्चे को देखिए दो परिवारों में शत्रुता है पाँच साल का बच्चा नहीं सोचेगा कि कौन शत्रु है शत्रु पक्ष का परिवार भी उसको गोद में बैठाएगा तो दौड़ करके बैठ जाएगा उसको केवल प्रेम चाहिए उसको लगेगा कि सभी अपने हैं जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सोचेगा कि ये मेरे तो शत्रु का परिवार है मुझे वहाँ नहीं जाना है क्यों क्योंकि इसके पहले वो मन से कार्य कर रहा था अब बुद्धि से कार्य कर रहा है इसी तरह से हमारी आत्मा के धाम हृदय में प्राणेश्वर अक्षर अतीत विराजमान है लेकिन आत्मा का हृदय जीव के हृदय की लीला को देख रहा है यही सबसे बड़ी समस्या है और हमारे जीव के हृदय में जन्म जन्मांतरों के अच्छे और बुरे संस्कारों का इतना पिटारा लदा हुआ है कि इससे हमारी निवृत्ति नहीं हो पा रही है सब सुंदर साथ ये बार बार कहा करते हैं क्या करें चितवनी में बैठते तो हैं लेकिन चितवनी लगती नहीं है करें क्या जिस कपड़े को प्रतिदिन धोएंगे दूसरे दिन धोएंगे जल्दी से साफ होगा लेकिन छः दिन पहनकर जब कपड़े को धोएंगे तो आपको ज़्यादा साबुन लगाना पड़ेगा बार बार उसको निचोड़ना पड़ेगा यही कारण है आप आंखें बंद करके बैठते तो हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है क्योंकि आपके चित्त में लाखों जन्मों का संस्कार समाया हुआ है किसी जन्म में हो सकता है आपने नास्तिकता का भी आवरण ओढ़ रखा हो किसी जन्म में आपने खूब मांस भी खाया हो शराब भी पिया हो तो वो चित्त अपने समय पर आपके मन को व्यथित कर देगा और वो हट जाएगा यही कारण है अभी आपने किरणन खिलवत की वाणी सुनी धनी तुम्हारी मैं एक चरण बहुत महत्वपूर्ण है मैं केवल आपकी हूं केवल आपकी क्या आप कह सकते हैं कि केवल आपके राज... आप राज्य के हैं नहीं भाई लोग किसके हैं बहनों के बहनें किसकी हैं अपने पतियों के अधिकतर सबको मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन अधिकतर है कौन अपने प्राणेश्वर अक्षरती से प्रेम करता है किसी को बच्चे से प्रेम है किसी को अपने पोते पोतियों से प्रेम है किसी को पत्नी से है किसी को पति से है राज्य तो औपचारिकता के घेरे में आते हैं पान चौपाई पढ़ लेना है कुछ औपचारिकता पूरी कर देना है राज्य के प्रति हमने कर्तव्य पूरा कर दिया क्योंकि राज्य को हमने एक देवता माना है जिनको थोड़ा सा चरणाम भोग लगा देना है दीपक दिखा देना है और सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया ये तो संसार के जीवों के लिए आप क्या कर रहे हैं ए हो न बिना निष्पत्ति निस्बत न होती तो अक्षरातीत के चरण कमल आपकी आत्मा के धाम हृदय में नहीं पड़ते ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि भागवत सुनने से श्री देवचंद जी को राज्य के दर्शन हो गए प्रश्न यह है यदि देवचंद जी को दर्शन हो सकते हैं भागवत सुनने से सुनाने वाले कांजी भट्ट क्यों नहीं दर्शन हो गए और लिखने वाले वेद जी को मैं तो नहीं मानता कि वेद जी ने लिखे हैं क्योंकि वेदव्यास जी लिखे होते तो ये नहीं लिखते कि ससबिंद की एक अरब संतान थी बताइए एक अरब संतान क्यों पैदा करेगा ससबिंद चित्रकेत की एक करोड़ रानियाँ थी एक करोड़ रानियों से विवाह कैसे किया और बेचारे एक करोड़ रानी यानी पूरी दिल्ली की नगरी कैसे वो बात करते होंगे ऐसे ऐसे गपोड़े भागवत में लिखे हैं भागवत के रचनाकार को तो ये भी पता नहीं है कि रासलीला किसने की विकृतम ब्रजपधो इदम श्रद्धान्वितों वर्णित शुर्यात वर्णय ते, वर्णेतयानी रासलीला किसने की विष्णु ने की क्या आप सारे सुंदर सत्य मानने के लिए तैयार हैं कि महारास विष्णु ने की रास तो राज्य ने की लेकिन भागवत के रचनाकार को यह भी मालूम नहीं उसको विष्णु और अक्षरातीत में भेद का पता नहीं और आज हम भागवत के पीछे जिस शहर में देखो वहां भागवत भागवत चल रही है ग्रंथ को सबने पीछे छोड़ दिया सागर श्रृंगार का कोई महत्व तो नहीं समझता और हम राजाओं की किस्सा कहानियाँ सुनने में तीन दिन बिता देते हैं वो राजा जो भोग विलास में डूबे पड़े थे हम परमधाम के ब्रह्मणियों के बारे में नहीं जानते परमहंस राम रतन दास जी की जीवनी क्या है मंगलदास जी की जीवनी क्या है बाबा दयाराम की जीवनी क्या है छत्रसाह जी की जीवनी क्या है जितने ब्रह्मणी आए उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं राजाओं के किस्से कहानियाँ सुन करके कि इन्होंने इतनी शादियाँ की इनके इतने बच्चे हुए इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती इसे आत्मा का क्या संबंध है वाणी कहती है एहो इन बिना निस्बती इत ही हुई वहदत निस्बत के तो क्यों जुदी कहिए खिलवत जहां निस्बत है वहां वहदत है जहाँ वहदत है वहां खिलवत है खिलवत में कौन रहता है प्रिया और प्रियतम आसिक और उसका प्राणेश्वर आपकी आत्मा के हृदय मंदिर में आपका प्राणेश्वर रहता है और आपकी आत्मा अपने निज स्वरूप से रहती है जैसे जीव के हृदय में जीव रहता है वैसे ही आत्मा के हृदय में आत्मा का स्वरूप है और आत्मा का स्वरूप क्या है परात्मा का स्वरूप आप अपने मिट्टी के पुतले को बस देखते हैं कि आपका मिट्टी का पुतला दस साल का है पचास साल का है सत्तर साल का है बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो बुढ़ा हो गया आप बूढ़े नहीं हुए आपके जीव ने जिस तन को धारण किया है वो तन बुड्ढा हो रहा है वो तन बालक हो रहा है वो तन मर रहा है ना आप कभी जन्मे ना आप कभी मरे ना आप कभी जन्मेंगे न कभी आप मरेंगे शरीर पैदा होते गए शरीर मरते गए आपके जीव ने उन तनों को धारण कर करना प्रारंभ किया और आपकी आत्मा 400 वर्षों से जब से इस खेल में आई है सोलह सौ अड़तीस से चार से ज़्यादा साल हो गए तब से न जाने कितने तनों को पकड़ती रही छोड़ती रही लेकिन उसको यह आभास नहीं हुआ कि मेरी आत्मा का हृदय ही खिलवत है मेरी आत्मा का हृदय में वहदत के रस को समाये हुए हैं क्योंकि इसमें निस्बत वहदत खिलवत का रस भरा हुआ है जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट के महल यदि चक्रवर्ती सम्राट किसी महल में रहने वाला सोने के महल में रहने वाला किसी वन में भटक जाए और लंबा अरसा बीत जाए उसके सारे कपड़े चिथड़े हो जाए खुद को भूल जाता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ वैसे ही हम भी अपने को भूल चुके हैं हम कौन हैं हमने संसार की पद्धतियों का अनुकरण कर लिया है हम भी आप देखते हैं मुझे बहुत हंसी आती है कहना नहीं चाहिए जैसे मैहर की भवानी में आप जाए का मंदिर जाएंगे वहाँ नारियल और क्या क्या चढ़ाए जाते हैं हम भी जाते हैं बाइजूराज महारानी के मंदिर में साड़ियाँ चढ़ाते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए हम भी नारियल चढ़ाते हैं हम भूल जाते हैं कि आप किसके मंदिर में आए ये कोई देवी देवता का मंदिर नहीं है हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते राज्य को नहीं जानते प्राणनाथ की महिमा को नहीं जानते कि वो प्राणनाथ कहते किसको हैं, हमने प्राणनाथ को एक देवता बना रखा है जो सर्वशक्तिमान है सकल गुण निधान है परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए वो स्वयं आया है तभी तो वाणी कहती है सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़े है तुम जो कबू किन न कानों न सुनी सु करो दीदार कसम कई देवदानो हो गए कई तीर्थंकर अवतार किन सुपने न सृणो सो इतमल्या नरनार जिस अक्षरातीत के बारे में किसी ने सपने में भी बड़े बड़े चकवर्ती सम्राट हो गए उन्होंने नहीं सुना वह स्वयं अक्षरातीत अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए आया महामती जी के धाम हृदय में और इस जागने लीला में युगल स्वरूप की छवि की शोभा दी गई इसमें तेज जी के अंदर जो अमलावती की आत्मा थी जो पहले वाले तन में फूल बाई के तन में थी इस दूसरे तन में तेज के रूप में आई आप उनके मंदिर में जाते हैं तो आध्यात्मिक भावना से जाइए अब छोटी छोटी मेरे बच्चे मेरी बहू को संतान नहीं हो रही है भाई जी मुझे मेरे मेरी बहू को संतान दे दीजिए कैसी मन्नत है और उसमें भी घूस की एक साड़ी चढ़ा दूंगी क्या आप उपास कर रहे हैं अक्षरातीत की अर्धांगनी का आप अपनी भी अस्मिता खो रहे हैं परम धाम की ब्रमात्मा सर्वशक्तिमान अक्षरातीत की हिलानी शक्ति के चरणों में जाकर माया की कामनाएँ करती है अच्छे अच्छे सुंदर साथ भी करते हैं मेरे से भी पूछा जाता है तो मैं क्या कहूँ जो जैसा पूछता है मुझे भी, भी विवश होकर कहना पड़ता है मेरे से भी लोग सुंदर साथ पूछते हैं कि हम दुखी हैं क्या करें मेहर सा का पाठ करें मैं क्यों रोकूँ भाई करो लेकिन मेहर सागर में कहीं नहीं लिखा है कि संसारिक कामनाओं के लिए मेहर के सागर का पाठ कीजिए हाँ साधु महात्मा लोग बताते रहते हैं मैं कभी नहीं बताता जब थक जाता हूँ कोई सिर खाता है तो मैं कह देता हूँ कि पाठ कर लूँ लेकिन यह तो सोचिए मेहर के सागर में क्या भरा है आप का हृदय वह बन जाए आप का हृदय खिलवत बन जाए आप हृदय के स्वरूप की पहचान कर ले तो समझिए कि आप पर मेहर की वर्षा हो रही है अन्यथा नहीं जिस दिन आप परमेर की वर्षा होगी आप समझ जाएंगे कि निस्बत के कारण अक्षरातीत के चरण कमल मेरी आत्मा के हृदय में अबाध अखंड रूप से विराजमान थे हैं और रहेंगे ब्रज में भी थे लेकिन नीत का आवरण था हमने पहचाना नहीं रास में भी थे पहचाना नहीं देखिए कितनी बड़ी हंसी वाणी कहती है हमको खेल दिखावन काज हम आगू आए श्रीराज जब राज्य आ गए हमारे साथ श्यामा जी के साथ तो कहाँ रहते थे आप तो कहेंगे कि 16 साल की उम्र में जब जा रहे थे तो उस समय दर्शन दिया तो ये 16 वर्षों में राज्य क्या करते रहे किसी पेड़ पर बैठे रहे किसी मंदिर पर बैठे रहे क्या कभी किसी ने सोचा है फिर चितवनी में दर्शन देते हैं और 40 साल की उम्र में दर्शन देते हैं क्या राज्य का कोई काम बिगड़ रहा था कि यहाँ से दर्शन दे करके फिर परमधाम में भाग जाते थे फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा करके फिर आ जाते थे हमने नस्बत के संबंध को नहीं पहचाना सागर से कभी लहरें अलग नहीं हुई एक दृष्टि का भेद पड़ गया हमने सोचा कि लहर सागर में डूब जाती है वैसे ही राज्य हमसे अलग हो जाते हैं देवचंद जी के तन में बैठे हैं लीला कर रहे हैं उस तन को छोड़कर मिराज के धाम हृदय में बैठ जाते हैं और सब आपने खोजना शुरू किसको किसमें कर दिया कि राज्य गादी में बैठे हैं बिहारी जी महाराज गादी पर बैठ जाएंगे तो इनके अंदर राज्य हो जाएंगे आज भी यही परंपरा चल रही है जन्म अंत अमे जेहता जन्म अंत का तात्पर्य इस खेल में आने पर जन्म अंत अमे जेहता तेता तमे दिखिता करया वासु वसुठो हाथी जमपुरी जाता वलिक कर गया आज सारा देश कहीं ना कहीं बात के बंधन में है अक्षरातीत का हृदय ही उनका सिंहासन है यदि सुंदर साथ अपने हृदय मंदिर में उस अपने प्राणेश्वर को खोजेगा तो उसको एक बड़े ही और एक दर्जी की कृपा से बनी हुई गादी में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपका हृदय ही वह मंदिर है जिसमें आपका प्राणेश्वर रहता है उसको खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने निस्बत की पहचान की आपकी आत्मा के हृदय मंदिर में ये आवाज़ उठती है कि मेरे से धनी की अखंड निस्बत है उस अहंग के द्वारा जीव के हृदय में चितवनी का संस्कार जगाइए चितवनी करते करते प्रेम के स्वरूप को धारण करते करते आपके हृदय से वासनाओं का निर्मूलन हो जाएगा फिर आपका मन प्रेम के राह प्रेम के मार्ग पर चल पड़ेगा विरह प्रेम में जब ये मन चलेगा जीव का अब आत्मा भी विरह प्रेम की राह को जब देखेगी कि जीव जो वासनाओं में फंसा हुआ था अब वो विरह प्रेम के राह पर चल रहा है तो मेरा तो निजघर ही प्रेम का है मेरा स्वरूप ही प्रेम का है मैं झूठे संसार की तरफ क्यों देखूं यहाँ से बादल हटने शुरू होते हैं इसलिए आपके दिल में है राज्य लेकिन तब तक नहीं बनेंगे मिलेंगे जब तक अपने हृदय में छाए हुए बादलों को प्रेम की हवा से आप उड़ाएंगे नहीं और इसके लिए आपको कसौटी पर अपने को कसना पड़ेगा अपने आहार में सात्विकता लाइए अटूट निष्ठा लाइए यदि आप धन कमाने के लिए चौदह घंटे की ड्यूटी निभा सकते हैं राज्य को पाने के लिए केवल दो घंटे दीजिए सच्चे हृदय से बिना हिले डुले कम से कम दो घंटे बैठने का तो अभ्यास कीजिए यदि बिना हिले डुले तीन घंटे की पिक्चर देख सकते हैं तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को देखने के लिए क्या दो घंटे का समय नहीं दे सकते ये कितनी बड़ी बदनसीबी है राज्य कहते हैं इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं ऊपर तले न कहया अर्स कह्या मोमिन क्लोब कुरान की एक आयत है क्लोबी मोमिन अर्स मनस्थ ब्रह्मात्मा का था मृदय रूई की गादी में राज्य कहीं नहीं मिलेंगे आपको चाहे सोने का सिंहासन बना लीजिए आज तो मूर्तियों का प्रचलन शुरू हो गया दिल में न खोजो तो सोने की मूर्तियां अब आह्वान किया जाता है पत्थर की मूर्तियों में नग चढ़ाओ और उसको मंदिरों में पधराओ ताकि लोग अधिक से अधिक आ जाएं क्या दुनिया तो पत्थरों की पूजा कर रही है हम भी पत्थरों की पूजा करें उन पत्थरों पर सिर पटके जिन पत्थरों को, को कोई कारीगर हथौड़े से मार मार करके शक्ल गढ़ा करता है हम अपने हृदय में प्राणेश्वर को न खोजें तो पत्थर की मूर्तियों में प्राणेश्वर को खोजेंगे ये सबसे बड़ी भूल है समाज को यदि जागृति का सुख पाना है तो सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की तरह मुड़ना पड़ेगा वाणी की चर्चा को प्राथमिकता देनी होगी मेरा समय पूरा हो रहा है क्योंकि एक घंटे एक बजे के बाद मंच को समापन करने के लिए कहा गया है मैं ये कहूँगा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं तीन से पाँच तक उनकी क्लासेस चलेंगी सागर श्रृंगार खिलवत के बारे में परिक्रमा के बारे में जो सुंदर साथ इच्छुक हों कल भी मुझे सूचना मिली केवल पंद्रह बैठे थे भोजन बनता है चार हज़ार का सागर श्रृंगार का रस खोजने वाले केवल पंद्रह बीस उंगलियों पर गिनने वाले यह दुर्भाग्य है हमारे समाज का किसी को प्यास नहीं है नाचते नाचते पैर थक जाते हैं फिर भी उसके लिए सब में ऊर्जा है लेकिन सागर श्रृंगार के लिए ऊर्जा नहीं और मैं कहूँगा कि यदि कल संख्या हजार तक पहुँचती है कल भी मंच लगेगा और आप श्रीवास्तव जी की सागर श्रृंगार की गहराइयों को छूती हुई बाणी आपको सुनने का अवसर मिलेगा आपका एक एक पल इस जागनी ब्रह्मांड में कीमती है और यदि उस पल का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप बदनसीबों में बदनसीब हैं और यदि आपने उस समय का सदुपयोग किया तो आपसे सौभाग्यशाली कोई भी नहीं होगा क्योंकि आपने इस मायावी जगत के अंदर रहकर अक्षरातीत के हृदय में प्रवेश किया अक्षरातीत के हृदय में बैठकर उन सागरों को मापा जिसको परमधाम में रहकर श्यामा जी भी माप नहीं सकी थी आपको इस सौभाग्य दिया है छठवें दिन की लीला में सुंदर साथ को बहुत सुनहला अवसर है जो देवचंद जी के तन से संभव नहीं था क्योंकि उस तन में वाणी नहीं उतरी थी महामती जी के तन से वाणी उतरती आप देखिए पन्ना जी आने तक सुंदर साथ को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं आज तो आप पंखों के नीचे बैठे हैं हवा चल रही है आपको चर्चा सुनाई जा रही है कभी उस समय की कल्पना कीजिए मंदसौर में जब कई महीने तक भिक्षा पर मांग करके अपना गुजारा करना पड़ता है औरंगाबाद में भी छिपना पड़ता है उदयपुर में कष्ट होता है दिल्ली में कष्ट होता है हर जगह कष्ट ही कष्ट कहीं वृक्षों के नीचे निवास करतल भिक्षा तरतल वास आज तो आप ऐसी कमरे में बैठ कर, वीडियो के द्वारा आप परम धाम के 25 पक्षों का स्वादन कर सकते हैं उस जमाने में तो कागज़ भी हाथ से बनाया जाता था कोई संसाधन नहीं थे आज संसाधनों से आप लैस हैं अनेक प्रकार की टिकाएं आपके पास हैं केवल कष्ट करना है आंखें बंद कर अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में ढूंढना है यदि आपने ये कर लिया तो यहीं बैठे बैठे खिलवत का सुख बहदत का सुख निस्बत का सुख पा सकते हैं आपको कभी नहीं लगेगा कि युगल स्वरूप हमसे दूर थे दूर हैं और दूर रहेंगे ये दूरी तो हमने बढ़ाई है राज्य कभी दूरी नहीं बनाते आप एक कदम चलेंगे वो हजार कदम चलेगा आप प्रेम के एक कदम बढ़ाएंगे तो उसके तरफ से हजारों कदम बढ़ते रहते हैं वो दूर नहीं है आपको वो पुकारता है आप उसको नहीं पुकारते आप शोर जरूर मचा सकते हैं माइक पर चिल्ला चिल्ला कर राज जी सबको बता सकते हैं कि भगत जी उठ गए हैं लेकिन वो तो 24 घंटे मूल मिलावे में भी आपके तनों को देख रहा है आपकी आत्मा के धाम हृदय में बैठ कर आपके एक एक कार्य को दिख रहा है इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप की गरिमा समझें और राज्य ने जो हमें सौभाग्य दिया है उसको समझें हमारा दिल धनी का धाम है गादी में कोई राज्य नहीं रहते राज्य जब मिलेंगे इस दुनिया में शोभा दी गई है महामती को अक्षरातीत कहलाने की कोई दूजा मरद ने काम ही एक मेहती पाक पूरण खेल सी रास मिल जागनी छत्तीस हजार महामती को ही अक्षरातीत कहलाने की शोभा है लेकिन जो महामती जी के दिल को अक्षरातीत ने अपना धाम बनाया है तो आपके दिल को भी धाम बनाया है आपको राज्य कहलाने का, का अधिकार नहीं है लेकिन ब्रह्मांगना के रूप में जो अधिकार महामती जी को भी प्राप्त है वो अधिकार आपको भी प्राप्त है क्योंकि परम धाम के वह में सभी बराबर हैं लीला रूप में आपको राज्य नहीं कहा जाएगा लेकिन राज्य ने जो सुख महामती जी को दिया है वो सुख आपको भी देंगे तभी तो महामती जी ने कहा इंद्रावती की आत्मा कहती है वसीकरण मेरे से मंत्र सीख लो और राज्य को बसा लो मैंने प्रेम के पिंजरे में तोता बनाकर कैद खाने में कैद कर रखा है और कहती हैं हूं थू साख द्राख मेरा तन अंगूर बन जाए और तोता बनकर आप मेरे मेरी आत्मा के स्तन रूपे इंद्रावती के तन को आप खाया करो इससे बड़ा समर्पण इससे बड़ी श्रद्धा इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा हम वाणी के कथनों पर चलेंगे राज जी को पाएंगे भागवत के किससे कहानियाँ सुनेंगे तो उसमें तो जयकारा लगाया जाएगा अनुसुया की जय हनुमान जी की जय शंकर की जय आप भी बैठ कर जयकारे लगाते हैं अनुसुईया की जय हनुमान जी की जय शंकर जी की जय आप कितनों को अक्षरतीत बनाएंगे कितनों को प्रियतम बनाएंगे राज्य के सिवा आप जब जय लगाते हैं अनुसुईया की जय हनुमान की जय शंकर की जय गणेश की जय तो आपके प्रीतम तो कई हो गए फिर ये कथन कहाँ जाएगा पतिवरता पड़े से भी सुंदर सात को भूख भी लगी होगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता चर्चा के अंत में एक जरूर मैं आह्वान करता हूँ ज्ञान केंद्र तो अपना बन गया लेकिन इसको चलाने के लिए कुछ स्वयंसेवक चाहिए मैंने उस दिन भी कहा था अभी तक केवल एक व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति का भी पता नहीं कम से कम पांच सुंदर तो ऐसे चाहें चाहिए जो कार्यक्रम के बीत जाने के बाद यहाँ कुछ समय तक अवश्य रहें क्योंकि इतने बड़े ज्ञान केंद्र में जो गेट के पास कक्ष में रहेगा उसको नहीं मालूम कि ध्यान कक्ष में या रसोई घर की तरफ क्या हो रहा है बाउंड्री भी नहीं है इसलिए कुछ सुंदर की सेवा अवश्य चाहिए चार पांच सुंदर अवश्य रहें कुछ समय तक सेवा दें जिससे कि ज्ञानपीठ को ज्ञान केंद्र को सुव्यवस्थित किया जा सके और एक और सूचना आप अभी कार्यक्रम का समापन होगा ये जो फोल्डर छपे हैं इस मार्का के संबंध में हैं सुंदर साथ यहाँ से लेते जाएं या कुछ स्वयंसेवक निकल कर इस फोल्डर को बांट दें इसमें सबसे आह्वान किया गया कि अपने लेख अधिक से अधिक संख्या में आठ नवंबर तक भेज दीजिए हमारा लक्ष्य है कि पृथ्वी परिक्रमा पर इसको छाप दिया जाए क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा पर हज़ारों सुंदर साथ पन्न नची आते हैं और ये पत्रिका धामी भाई बृहद समिति और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभा के संयुक्त तत्वाधान में छापी जा रही है आपके लिए जो प्राणनाथ जी की महिमा संबंधित हो वाणी की महिमा संबंधित हो या जो भी तारतम वाणी के किसी अंश को आप व्याख्यान के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं उसको लाइए इसमें छपा जाएगा जो विज्ञापन के लिए कहा गया था जो सुंदर व्यवसायिक कार्यों में तल्लीन है अपने विज्ञापन भी भेजें ताकि इस पत्रिका को छापने में अधिक से अधिक सहायता मिले मैं आशा करता हूं कि आप सुंदर मेरे बच्चनों को ध्यान दिलाएंगे छपाए तो रहे तो क्यों जुदी कहिए जुदी क्यों कहिए खिलवा ए क्यों होए बिना निस्वतें इतही हुई वाहिदत निस्वत तो क्यों जुदी कहिए खिलवत तो क्यों जुदी कहिए खिलवत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की